हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग से DIY आप लोगों के लिए ला रही हूँ, जो जल्दी से बन जाए और आपके घर को जल्दी से शाइन से भर दें। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिरर। ये मिरर से आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे लगा के उसको नया लुक और शाइन दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मैं आपको टेराकोटा पॉट पे इसका यूज़ बता रही हूँ। इसके लिए आपको कोई एक टेराकोटा पॉट लेना है, प्लस सबसे पहले हम उस टेराकोटा पॉट को पेंट कर लेंगे जैसो से। पेंट करने के बाद पॉट में हम फेविकॉल लगाएंगे और मिरर को उस पर स्टिक कर देंगे इस तरह से। आप किसी भी साइज़ के डिफरेंट साइज़ के मिरर को पॉट पे स्टिक कर सकते हैं फेविकॉल की हेल्प से। और फेविकॉल और लगाते हैं और उसको डिफरेंट तरह से पूरे पॉट को ऐसे मिरर से आप लोगों को भर देना है। इस तरह से पूरे पॉट में आपको मिरर स्टिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट हम POP मार्बल पाउडर या कुछ भी लेके उसको अच्छे से उसमें पानी और फेविकॉल ऐड करके उसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, थिक पेस्ट उसको बना लेंगे। और इस पेस्ट को जो मिरर स्टिक किए थे, इस पेस्ट को नाइफ की या किसी चीज़ की हेल्प से पूरे मिरर पे इस तरह से पूरे पॉट पे हम लगा लेंगे। ऐसे पूरे पॉट पे मिरर को ढकते हुए पूरे पॉट पे ऐसे लगा लेंगे और उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसको हल्का हल्का आप सूखे ब्रश से भी हटाते जाइएगा, हमें पूरे उसको ऐसे कवर अप कर लेना। अब थोड़ा ब्रश से जब हल्का गीला हो फिर उसको किसी कपड़े की मदद से या उससे धीरे धीरे इसको ड्राई होने के बाद साफ़ कर लीजिए। मैंने इस पर ऑलरेडी लगाया हुआ है, अब हम इसको साफ़ कर लेंगे। करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे ये है, इसको कपड़े को हल्का सा मॉश करना है, बिल्कुल गीला नहीं करना, मॉश। और इस तरह से इस मिरर को जो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप पूरा उसको साफ कर लीजिए। पॉट बनने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको एज ए शो पीस, डेकोरेटिव पीस, ऑर्गेनाइज़र या रंगोली में भी इस छोटे से पॉट को यूज़ कर सकती हैं। आप बड़े में भी लगाकर उसको एज ए डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं, दिए के साथ, या ऐसे भी आप इसको कहीं पर भी फेस्टिव सीजन पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।